कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सनशाइन वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया। प्लांट में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएमओ डॉक्टर डीके त्रिपाठी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मास्क न पहनने पर अधिकारियों को लगाई फटकार। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने नवनिर्मित हथियागढ़ पुलिस थाने का किया उद्घाटन। स्थानीय लोगों से अपराध कम करने योगदान की अपील की। जन चौपाल सुनवाई के दौरान दबंगों ने प्रधान को दी धमकी। प्रधान संगठन ने दबंगों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। थाने की पुरानी रंजिश के कारण एक व्यक्ति की हत्या। एसएसपी पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम योगी एमएलसी चुनाव, निकाय चुनाव, आयोग में नियुक्ति, कोरोना नियंत्रण और फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा करेंगे। साथ ही योगी यूपी में 7 करोड़ से अधिक का विदेशी निवेश पर भी चर्चा कर सकते हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां सनशाइन वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निरीक्षण किया। कर्नल सुभाष देशवाल लाल सिंह यादव ने गाजर प्लांट का निरीक्षण कर स्टोर रूम, धुलाई मशीन, खेत में उगाई की जा रही गाजर का भी अवलोकन कर रख रखाव की जानकारी की। गाजर प्लांट की शुरुआत करने के लिए पीपीटी मॉडल के साथ ही केंद्र और राज्य की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 40% सब्सिडी, लगभग 8 करोड़ रुपए की सहायता की राशि प्रदान करने की जानकारी किसानों को दी। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद क्षेत्र के में किसान बड़ी संख्या में विदेशी गाजर का उत्पादन कर रहे हैं। गाजर के धुलाई में विदेशी मशीनों के स्थान पर कम मूल्य में स्वयं निर्मित मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। अन्य जिलों के किसानों से कम लागत में गाजर उत्पादन कर सिकंदराबाद किसान अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। इस दौरान जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह, सीडीओ कुलदीप मीणा, विधायक सिकंदराबाद लक्ष्मी राज सिंह समेत संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। देखिए, बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के भीतर मैं आज कर्नल पोषवाल के देशवाल के इस प्लांट पर आया हूँ और इन्होंने 2 एकड़ से गाजर की खेती की शुरुआत किया था, जो आज बढ़ कर के इस क्षेत्र में लगभग 5 से 6 हज़ार एकड़ के भीतर उसकी खेती की जाई जा रही है। और कर्नल पोषवाल देशवाल ने सर, इसमें यादव जी का बड़ा लखनऊ शहर में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देशन में सभी मुख्य मार्ग, फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलों पर अभियान चलाकर हटाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही अभियान से पूर्व अतिक्रमणकर्ताओं को सूचित भी किया जा रहा है, जिसके तहत आज जिस जिस जोन में कार्यवाही की गई उसका ब्यौरा भी दिया गया है। जहाँ जोन 1 हजरतगंज चौराहे से गोल्फ क्लब चौराहे तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें 4 अवैध ठेले, 2 गुमटी, 7 जगहों से नाली पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। जोन 2 वार्ड राजा बाजार मेडिकल कॉलेज से कन्वेंशन सेंटर तक दोनों पटरी तक विशेष अतिक्रमण एवं सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही जोन 3 के हनुमान सेतु से बंधा रोड होते हुए डालीगंज पुल चौराहा तथा एवं पुरनिया पुल सीतापुर रोड के नीचे से 5 सीवर वाले टैंकर लगभग 35 अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। इसके अलावा जोन 4 आरआर कार्यशाला के पास फन मॉल और जुगौली के आसपास अतिक्रमण विरोधी गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ माइकिंग द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।
खबर बुलंदशहर से है, जहां सरकार के आदेश पर गांव में जन चौपाल कार्यक्रम का संचालन किया गया। सयाना ब्लॉक के देहरा गांव में प्रशासनिक अधिकारियों, ग्राम प्रधान की उपस्थिति में जन चौपाल लगाकर जन सुनवाई की। इस दौरान गांव से ही कुछ दबंगों ने कार्य को बाधित किया और ग्राम प्रधान को धमकी दी। SSP कार्यालय में दबंगों के खिलाफ ग्राम प्रधानों के तहरीर दर्ज करा कर कार्यवाही की मांग की गई। ग्राम प्रधान संगठन ने 2 दिन में कार्यवाही नहीं होने पर विशाल धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में एम्बुलेंस चालक की दबंगई का मामला सामने आया है। टोटपुर CSC में कार्यरत एक कर्मी ने एम्बुलेंस चालक पर शराब के नशे में धूत होकर मोटरसाइकिल मांगी, जिसे मना करने पर एम्बुलेंस कर्मी हाथापाई पर उतर आया। एम्बुलेंस कर्मी द्वारा अपने सहयोगी स्वास्थ्य कर्मी पर डंडे से हमला कर दिया गया। एम्बुलेंस कर्मी द्वारा किए गए हमले से स्वास्थ्य कर्मी का हाथ टूट गया, जिसके बाद एम्बुलेंस कर्मी मौके से फरार हो गया। पीड़ित स्वास्थ्य कर्मी का आरोप है कि लगातार पुलिस में मामला दर्ज न कराने को लेकर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित स्वास्थ्य कर्मी ने जब पुलिस ने शिकायत प्रार्थना पत्र दिया तो थानाध्यक्ष ने उसको 376 के झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी। मामला बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के टोटपुर CSC का है। श्यामक सिंह एम्बुलेंस वाले ड्राइवर ने हमारे साथ बदतमीजी की, दारू पी के। हमने जब उसका विवाद किया तो उसने हमको मारा पीटा, हमारा हाथ तोड़ दिया। तो थाने में हम रिपोर्ट लिखाने गए तो वहाँ उन्हें थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता हंसराज हमारे साथ जुड़ेंगे। हंसराज, एम्बुलेंस चालक की दबंगई सामने आई है, क्या है पूरा मामला? नंदनी, आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में एम्बुलेंस चालक की दबंगई का मामला सामने आया है। डोंडरपुर में CSC में कार्यरत एक कर्मी एम्बुलेंस चालक पर शराब के नशे में धुत होकर मोटरसाइकिल मांगी गई थी, जिससे मना करने पर मोटरसाइकिल नहीं दी गई। एम्बुलेंस कर्मी द्वारा अपने सहयोगी स्वास्थ्य कर्मी पर डंडे से हमला कर दिया गया था। एम्बुलेंस कर्मी का कहना है, पुलिस जब पीड़ित पुलिस के पास गया तो थानेदार ने उसको भगा दिया। मामला दर्ज नहीं किया गया है। बेटा वो थाने टोनर को CSC का मोटरसाइकिल देने से मना करने पर एम्बुलेंस चालक सुनील सिंह ने CSC पर कार्य स्वास्थ्य कर्मी जावेद के साथ मारपीट शुरू कर दी। सुनील द्वारा जावेद के हाथ पर डंडे से जोरदार प्रहार किया गया, जिससे स्वास्थ्य कर्मी जावेद का हाथ टूट गया। जावेद ने बताया, घटना राजनीतिक दबाव से, मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। जी, पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही क्यों नहीं की, क्या कुछ वजह सामने आई इसको लेकर? पुलिस से जब इस बाबत बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला कहीं ना कहीं देखिए इसको राजनीति से दबाया जा रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है कि मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षराज। खबर आजमगढ़ से है। सेंट जेवियर्स स्कूल सिंहपुर में क्रिसमस के त्योहार के तहत स्पेशल असेंबली CSR ड्राइव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में छात्रों ने नृत्य म्यूजिकल एक्टिविटीज प्रस्तुत की। सफेद घोड़ों के रथ में बैठकर आए सेंटा क्लॉज ने छात्रों को टॉफी उपहार बांटे और जरूरतमंद 100 लोगों को कंबल खाद्य सामग्री वितरित की। प्रबंधक प्रशांत चंद्रा, अकादमिक निदेशक देवेंद्र झा ने छात्रों को क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं दी। अकादमिक निदेशक देवेंद्र झा ने कहा कि हम अपने बच्चों के लिए एक प्रगतिशील स्कूल बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं और इस प्रकार के आयोजन पर उन्हें धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाएंगे और जिम्मेदार बनने में मदद करेंगे। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर त्रिदीव उपाध्याय ने नए सत्र के पंजीकरण की जानकारी दी। एंटायर सेंट जेवियर ग्रुप ऑफ स्कूल, हम सभी लोगों को मेरी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और स्कूल एक ऐसा संस्था है जहाँ पे हर धर्म की हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। क्रिसमस लोग की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महान पर्व है। खबर लखनऊ से है, जहां गोमती नदी में अनियंत्रित कार सवार 4 लोग नदी में डूब गए थे। SDRF की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर 2 लोगों को बचा लिया था। घटना के 4 दिन बाद SDRF की टीम ने गोताखोरों की मदद से लापता 2 अन्य लोगों के शव को ढूंढ निकाला है। लगी है हमारी दुकान, और हम लोग करीब इसमें बहुत जबरदस्त मेहनत करते हैं, तो 1.5 लाख रुपया पूरे सीजन में कमा लेते। ईद जैसा त्यौहार समझ लीजिए इसको, ईद जैसी खुशहाली यहाँ भी ईद रहती है, क्रिसमस में भी।
खबर सुल्तानपुर से है, जहां कोविड के नए वेरिएंट पर सरकार के आदेश पर सीएमओ डॉक्टर डीके त्रिपाठी ने सीएमएस डॉक्टर एससी कौशल और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। ऑक्सीजन प्लांट, महिला अस्पताल उचित प्रबंध के निर्देश दिए और अस्पताल में सीएमएस को छोड़ सीएमओ समेत सभी कर्मचारी नियमों पर उल्लंघन करने का फटकार भी लगाई। सीएमओ डॉक्टर डीके त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोविड प्रोटोकॉल को दोबारा लागू करने के निर्देश मिले, इस संबंध में 24 दिसंबर को मॉकड्रिल कर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने जिला अस्पताल के सामने पड़े कूड़े को हटाने की जानकारी दी। कोविड दोबारा फैलने ना पावे, उसके क्रम में हमारी जो भी तैयारियां थी उनको एक बार बेहतर संचालित करने के लिए उसके क्रम में ये निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग इसको देख लीजिए। अभी इसके क्रम में ट्यूसडे को 27 तारीख को मॉकड्रिल भी हम लोग करने जा रहे हैं, तो उसी की हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लांट है हमारा या और भी जो भी चीज़ें हैं, हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, उनको सबको एक बार चेक कर रहे हैं कि सारी चीज़ें हमारे ठीक ठाक चलते रहने चाहिए। खबर गोंडा से है, जहां पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने नवनिर्मित हथियागढ़ पुलिस चौकी का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने थाने के निर्माण में सहयोग करने वालों को धन्यवाद किया और स्थानीय लोगों से अपराध कम करने की योगदान देने की अपील की। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां हफीजपुर मस्जिद के पास एक विवाहित महिला की लाश गड्ढे में पड़ी मिली। मृतका के पति ने बताया कि बिजली के करंट लगने से मौत हो गई थी, डर की वजह से शव को गड्ढे में दफना दिया। ससुराल पक्ष ने पति और पत्नी में आए दिन झगड़ा करने की जानकारी दी। घटना की सूचना पर पहुंची गोला पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला अस्पताल भेजा। पुलिस क्षेत्राधिकारी आर के सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की मुख्य वजह स्पष्ट हो जाएगी। हाँ, लड़ाई तो होती थी भैया। कितने साल हो गए शादी को हुए? उनको मान लेते थे, 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। आपको अंदाजा लगता था कि कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं लगा। आप यहाँ मौके पर थी नहीं जब घटना हुई? हाँ, नहीं थे हम। लखीमपुर के थाना गोला क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला हफीजपुर के चौकीदार के साथ आसिया नामक महिला थाने पर आई। उसने बताया कि मेरे बेटे मोहम्मद वसी ने मेरी बहू को करंट लगाकर दहेज के कारण मार दिया तथा घर में शव को गाड़ दिया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को बाहर निकलवाकर मोर्चरी भिजवा दिया है। शव पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। प्रथम दृष्टया मृत्यु का संभावित कारण करंट लगना प्रतीत हो रहा है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर गाजियाबाद से, जहां एक महीने पहले हुए डबल मर्डर का खुलासा डीसीपी इराज रजा ग्रामीण के नेतृत्व में गठित टीम ने हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि हत्या का मुख्य आरोपी और मृतक इब्राहिम को लोहा बेचता था। इस दौरान इब्राहिम की चांदी की चेन लूटने के उद्देश्य से दंपत्ति की हत्या कर दी गई। आरोपियों के पास से सफेद धातु की चेन और 11,900 रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस अधिकारियों ने हत्या में शामिल हुए मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जारी किए। मुआयना किया गया था, हम आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। उसमें लगातार काम करते हुए टीमों ने लगातार एक माह तक लगातार लगी नहीं काम करते रहे। मैनुअल इनपुट के आधार पर एवं अन्य सोर्सेज के आधार पर हम लोगों ने उस केस पर लगातार काम किया। थाना ट्रोनिका सिटी ने अंततः उस घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक बाल अपाचारी भी है। एक 12 वर्षीय बालक ने ये पूरी घटना को प्लान किया था। वो वहीं पर कभी कभी लोहा बेचने जाता था और ये जो बुजुर्ग दंपत्ति थे कबाड़ी का काम करते थे। खबर अलीगढ़ से है, जहां इगलास कोतवाली के अमरपुर थाना गांव में प्रधानी की पुरानी रंजिश के कारण एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार के प्रधान और बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वर्तमान प्रधान के परिजनों ने सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि घटना के वक्त मौजूद नहीं थे, जिसके साक्ष्य हमारे पास है। पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जाँच कराकर मुकदमे से नाम वापस करने की मांग की। जो
रिपोर्ट कराएगी है वो बिल्कुल झूठी है। घटना स्थल पर ना प्रधान जी थे ना उनका बेटा था। देखिए हमारे पास उनकी सीडी है, सीसीटीवी फुटेज है, इतने सारे हमारे पास सबूत हैं। वो उस टाइम अलीगढ़ थे, अपनी गाड़ी का काम करवा रहे थे, बहुत सारे काम थे। घटना 6 बजे की है, वो वहाँ सुबह के निकले हुए थे और अलीगढ़ थे। उनका बेटा मैरिज होम पे था और वो काम संभलवा रहा था। ये बच्चे मैरिज होम पे उस बच्चे के साथ थे। कैसे क्या घटना हुई थी? दरवाजे का ये फुटेज कैमरा ने में सीसी कैमरा निकलवाए लें तो मैं अपने घर ही ना थी मेरो घर ही जैसे वो लगा रो लाट फाट जिन बालक ने संग मैरिज होम पे और जी सबूत है। तो मैंने देवेंद्र से कही है, मैं देवेंद्र तेरी कोई बात सुनी है कि मम्मी मैं मुँह कसूकत होना है कि मैं ऐसे ऐसे कोई दुर्घटना आ गई है कि मैं ना सुनी तो मैं इतना ना बोले। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।